तलवार के बल पर भी आया, रोजगार के लिए भी। गलत बात है, एकदम गलत बात है, रोजगार के लिए। गलत बात है, मैं गलत नहीं कर रही, इतिहास नहीं, गलत बात है। रोजगार के लिए भी नहीं हुई है, आप मेरी बात सुनिए। अब आप दोनों बातें बताइए ना, अब उनको बोलने दीजिए, अब आपको बात रखिए। हां, अमीर खुसरो सबको याद होंगे, जब इस धरती पर आए उनको तूतिए हिंद बोला जाता था, उन्होंने हिंदी भाषा का, उर्दू जिसको आज कहते हैं, उसका आविष्कार किया। जो हाल मिश्की मुगुन तुगाफल दुराए नैना बनाए बतिया, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। रस खान भी इसी देश के अंदर थे, ये देश की धरती ऐसी है कि सबको शश श्यामला, सबको बाजू फैला करके अपने अंदर समेटती है। आज अमेरिका ने सीरिया बर्बाद कर दिया, इराक बर्बाद कर दिया, आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन भारत के अंदर मैं प्रेस करूंगी कि मुस्लिम समाज रहता है। इस्लामिक स्टेट ने बहुत भड़काने की कोशिश की, केवल 50 लड़के ऐसे थे जो गए। नहीं, मूर्खता बैठ के बैठ के लोगों का जो आप चौहान के साहब बैठ के बात कीजिए। देखिए, एक मिनट बात तो करने दीजिए चौहान साहब, एक बात सुनिए। मौलाना में क्या फर्क है? उनसे भी उन्होंने यूरोपियन मुस्लिम की तरह गले नहीं काटे, उनसे सफाई का काम लिया, घर में उनसे खाना पकवाने का काम लिया। और जो यहाँ का मुस्लिम है, पहले आज बदलता जा रहा है, पहले जय राम जी की बोलता था गांव में, आज भी बोलता था, हिजाब पे भी इतना पाबंद नहीं था, आज तो औरतें हिजाब पहन रही हैं, अलग तरह की बातें कर रही हैं। मतलब कट्टर होता जा रहा है, उसकी चिंता हो हिजाब पहनना कट्टरता है, हिजाब पहनना कट्टरता है। और सुनिए, अरब की तरफ देखते थे, अरब हमको यहाँ मदरसों को एड देते थे, आज अरब की खुद हालत खराब है, 52 मुस्लिम देश कष्ट में है। अरबों का जो प्रिंस है वो जाकर के ईरान में चला गया है, अरब तो खुद प्रॉब्लम में है। जिस दिन ये तेल की दौलत के ऊपर यहाँ पर पैसा देना बंद हो जाएगा, जाकिर नाइक जैसे लोग यहाँ से हट जाएंगे। ये मुसलमान हमारे अपने हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन तब तक जो विष फैलाया जा रहा है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक के तौर पर अफजाल जी हैं, मोहम्मद अफजाल जी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आज हमारी हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि हिंदुस्तान में जितने भी मसलक, मज़हब इस्लाम के जितने भी मसलक हैं, वो सारे मसलक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मौजूद है और अमन और भाईचारे के साथ रह रहे हैं। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है, वरना जितने भी मुल्क हैं, पाकिस्तान और उससे आगे बढ़ गए मिडिल ईस्ट तक चले जाएँ, तो कहीं ना कहीं एक ही मसलक या दो मसलक या तीन मसलक के लोग रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मुतअद्दिद मसलक के लोग रहते हैं, बहुत सारे मसलक के, मज़हब इस्लाम के अंदर जो मसलक है, और सब प्यार मोहब्बत और भाईचारे से रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर जगह पर एक प्रकार के लोगों ने ही अपना मुल्क बना लिया, देश बना लिया, बाकी लोगों को बाकी अब पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी खराबी है वो ये है कि देवबंदी बरेलवी को पसंद नहीं करते। वहाँ पे मस्जिदों के बाहर लिखा होता है ये देवबंदियों की मस्जिद है, ये बरेलवियों की मस्जिद है, ये अहले हदीस की मस्जिद है, इसमें सिर्फ वही लोग जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मुल्क में सबसे बड़ी खूबसूरती है कि किसी मस्जिद के बाहर ये नहीं लिखा होता कि ये किसकी मस्जिद है। ये उनको ये चीज़ अपेक्षित नहीं थी, उनको क्या अपेक्षित था? आप क्या कहना चाहेंगे? ओबामा जी ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि इस्लाम अलग है, उन्होंने कहा हिंदुस्तान का मुसलमान अलग है, और इसको हम भी मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ जो बड़ी आबादी है वो हिंदू है, हम माइनॉरिटी में हैं, लेकिन फिर भी आज़ादी के साथ अपने धर्म पर, अपने मज़हब पर बिला किसी रोक टोक के अमल करते हैं। किसी तरह की कोई पाबंदी इस देश में हमारे ऊपर नहीं है, इसलिए हम यहाँ अपने आप को समझते हैं कि जो इस्लामी मुल्क हैं उनसे हम इसलिए अच्छे हैं कि हमारी आज़ादी उनसे कहीं ज़्यादा है। वहाँ चूँकि शासन जो है वो बादशाही शासन है, तो वहाँ आज़ादी नहीं किसी को बोलने की, यहाँ आज़ादी है, सेकुलर मुल्क है, हम किसी तरह भी बोल सकते हैं। इस्लाम तो सब जगह एक है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता कि इस्लाम अलग हो सकता है। इस्लाम के मानने वाले अलग अलग हो सकते हैं, उनके अपने नज़रियात अलग हो सकते हैं, उनकी अपनी सोच अलग हो सकती है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में मतभेद रख सकते हैं, लेकिन इस्लाम एक है, इस्लाम एक है, इस्लाम अलग अलग कहीं भी नहीं हो सकता। जब इतनी आजादी है तो इस आजादी का गलत फायदा उठाने वाले भी लोग हैं,
जी बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान में जब इस्लाम की शुरुआत हुई तो यहाँ का जो सबसे बड़ी हिंदुस्तान, देखिए भारत तीन चीज़ों पे टिका हुआ है, मैं बराबर कहता हूँ, संस्कार, संस्कृति और आस्था। तो जब यहाँ के बुजुर्ग आए, बिल्कुल आए, किसी और मुल्क से आए, और बुजुर्गों ने, जो सूफियों ने, जो संतों ने यहाँ पे इस्लाम फैलाया, और जो उसके मानने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं शांति, इत्तेहाद, इखलाक, भाईचारा, मोहब्बत का पैगाम देते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा मुल्क में देखिए मोहब्बत करने वाले लोग थे, यकीन रखने वाले, क्योंकि हमारे जो हिंदू भाई थे उन्होंने अपार अपना दिल खोल के आपको अपने बड़े भाई की तरह उन्होंने अपने को समझा और छोटे भाई की तरह मुसलमानों को माना। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चंद लोग उसमें, उनको ऐसा लगने लगा कि ये उनके मानने का बहुत बड़ा फायदा उठाने के चक्कर में जिहादी सोच के हो गए। जो आज आप भारत में देख रहे हैं इस तरह के मसले, जो आपस में उन्माद फैलाने की बात आ रही है, वो उन लोगों में से है। तभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बराक ओबामा साहब ने पूरे दुनिया में, और खुद वो क्योंकि क्रिश्चियन और मुसलमान का उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा है, उनके जो पहले फादर थे वो मुसलमान थे, और भारत के मुसलमानों को उन्होंने देखा है कि किस तरह से वो भारत से मोहब्बत रखते हैं, भारत के लिए अपने जान देने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। लेकिन टारगेट उन्होंने इसलिए किया है कि उनको भी ये बू आ रही थी कि कुछ लोग भारत का माहौल खराब कर रहे हैं। आपके सामने एग्जाम्पल मैं देना नहीं चाहूंगा, लेकिन मुझे देना पड़ेगा, फारूक अब्दुल्ला जैसे गद्दार जो भारत में रहते हैं, भारत की सारी सुविधाएं उनको मिलती है, उसके बाद भी आप सवालिया निशान भारत के ऊपर अगर उठाएंगे, संविधान का शपथ लेते हैं, सारे रिजोल्यूशन के सामने पास होता है, उसके बाद भी भारत को गाली देने का काम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने मुसलमान होने पे सवालिया निशान खड़ा करते हैं। इसलिए ये मसला आता है सामने। गनी जी, आप जैसे लोग चुप बैठते हैं, ओवैसी जैसे, और इन्होंने नाम लिया अब्दुल्ला, पूरा परिवार ऐसे लोगों के देशद्रोह पे, क्या इसको लेकर ओबामा को चिंता है? देखिए, सबसे पहले चुप हम लोग नहीं बैठते, खामोश तो यहाँ की हुकूमत रहती है, जो एक्शन लेने के हक में नहीं रहती है, डरपोक हुकूमत है। ऐसे लोगों को तो फौरन सजा मिलनी चाहिए। बहुत बढ़िया। देखिए सुरेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी बराक ओबामा साहब ने जो बयान दिया दो तीन दिन पहले, नई दिल्ली में आए वो कार्यक्रम में, उसमें जो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, इस्लाम है, बाकी मुल्कों के मुसलमान से, इस्लाम से अलग है, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। मेरा कहना ये है कि मुसलमान अलग अलग अकीदे का हो सकता है, लेकिन इस्लाम तो पूरी दुनिया में एक ही है। और दूसरी बात ये कहूँगा कि जो लोग इस्लाम पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस्लाम तो तलवार की नोक पे फैला, ये भी गलत है। इस्लाम हमेशा से मोहब्बत, अखलाक के साथ फैला है, फूला है, और इंशाल्लाह ये फलता फूलता रहेगा। कितने लोगों को गले लगा के धर्मांतरित, मेरे पास जी औरंगजेब ने कितने लोगों को धर्मांतरित करते हुए गले लगा? अरे सर, औरंगजेब से क्या करना, नहीं औरंगजेब का यहाँ पे तो इश्यू नहीं है, जिस टॉपिक पे बात है उस पर बात करिए। हिंदू राजा भी जिन्होंने मंदिर तक तोड़े हैं, नहीं नहीं नहीं, कुछ हिंदू राजा भी हैं जिन्होंने मंदिर तक तोड़े हैं। ये तो नहीं, आप भटकने वाली बात कर रहे हैं, गलत। फिर बात बहुत दूर तक जाएगी। हेलो, फिर बात बहुत दूर तक जाएगी अगर वहां जाओगे तो। इस्लाम हमेशा भाईचारे से, अमन से फैला है, और जो लोग इल्जाम लगाते हैं शायद उनके अंदर अकल नहीं है, इल्म की कमी है, वो ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार की नोक पे फैला, गलत कहते हैं। अगर बराक ओबामा ने ये बात कही तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बराक ओबामा होते कौन है हमारी फिक्र करने वाले, अपने जब वो वहाँ के सदर थे तो उस वक्त उन्होंने फिक्र नहीं की, अब यहाँ पर क्या। देखिए, जहां तक बराक ओबामा जी की बात है, मैं एक चीज की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं सुरेश जी, और खास तौर से जो हमारे मौलाना भाई आए हुए हैं इनका ध्यान दिलवाना चाहता हूं। जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब उनकी सरकार में उनके होम सेक्रेटरी ने, नहीं उनके डिफेंस सेक्रेटरी ने एक एडवाइजरी निकाली थी कि उन्हें सबसे ज्यादा ध्यान दुनिया में यदि किसी संस्था पर रखना है तो वो दारुल उलूम देवबंद पर रखना है। तो किस संदर्भ में कहा? ये सुनिए, सबसे पहले आतंकवाद के संदर्भ में, आतंकवाद के संदर्भ में सबूत कहाँ आपके पास? ये बेकार की बात करते हैं आप, बेकार की बात, डिबेट को एकदम डिलेल कर रहे हैं। स्वामी जी, ये गलत बात है, गलत बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं, कैसे सुन लग रहा है? गलत
नहीं गलत बोल रहे हैं, बात पूरी करने दो ना, गलत इल्जाम गलत लगा रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, नहीं गलत बोल रहे हैं, गलत नहीं गलत बोल रहे हैं। अच्छा बात तो पूरी सुन लो, कहना क्या चाह रहे हैं। सुन बात, आप तांडव को अटैक नहीं कर सकते। क्या चीज? वो डॉक्यूमेंट्री लेकर आइए। कहाँ है? गलत बोल रहे हैं। अगली बार आएंगे। हेलो, अगली बार आएंगे। ठीक है ऐसी बार लेकर आइए ना, बताइए कहाँ आगे बढ़ते आगे कहाँ मिल सकती है वो बता दीजिए, कहाँ मिल सकती है बता दीजिए, कहाँ आगे बढ़ते हैं बता दीजिए। ठीक है, कहाँ मिल सकती है बता दीजिए। लेके आएंगे ना, अभी बोल रहे आप धर्म गुरु सर, प्लीज आप धर्म गुरु सर, धर्म गुरु है प्लीज। देखिए ये है इस्लाम, आप धर्म ये इस्लाम है जो दूसरे की आवाज को अपने गले में आवाज आता है। ये कुछ भी बोलेंगे दूसरा बोलेगा, ये है इस्लाम। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने बोला कुछ हिंदू धर्म के खिलाफ। अच्छा एक अच्छा ठीक है ठीक है, मुसलमान तो बोलेगा, जो मुसलमान नहीं हो ना बोले। एक दूसरे की बात तो सुनिए। देखिए उन्होंने उन्होंने ताली भी बजाई। अफसोस है कि धर्म गुरु को नफरत की बात, इन्होंने ताली भी बजाई गणी जी की बात पे, इन्होंने ताली बजाई सबसे पहले। धर्म गुरु बात नहीं करता। चलिए शाहनाथ जी, शाहनाथ जी एक मिनट, शाहनाथ जी स्वामी जी क्या आपको लगता है ओबामा ने ये सारी बात महिलाओं के कानून को लेकर कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं द्वारा जो विरोध हो रहा है उसको देखकर कही थी? देखिए ये बात सच है, क्योंकि कुछ जो यहाँ सामाजिक जो आजकल हमारे देश में बहुत ज़्यादा इश्यूज उठ रहे हैं, मुस्लिम ख्वातीन परेशान हैं, उन सभी बातों को देखकर उन्होंने कहा होगा। उन्होंने और मजहब इस्लाम को नहीं कहा कि अलग है, उन्होंने कहा लोग अलग हैं, हिंदुस्तान के लोग दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ के अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं मुसलमान हाँ मुस्लिम समाज के लोग अलग हैं। क्यों अलग है? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है शिक्षा आई थिंक यहाँ पर बहुत कम है, पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से सामाजिक इश्यूज ज़्यादा उठ रहे हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरी बात जो हम लोग कुछ लोग बहक जाते हैं और देश के ये खिलाफ खड़े होते हैं, कभी वो कश्मीर से खड़े होते हैं, कभी कहीं से खड़े होते हैं, जो देश के खिलाफ खड़े होते हैं वो नहीं होना चाहिए। हम जो वो कहते हैं शांति प्रिय सुकून प्रिय हम लोग मुस्लिम समाज है, वो ऐसा ही उन्होंने कहा संभाल के रखो, इसको संभालो, इट मीन्स जो यहाँ अच्छाइयाँ हैं वो बनी रहे और ये कमियाँ दूर हो। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा है और अमेरिका के एक वरिष्ठ पत्रकार आज मुझे मिलने आए थे, मैंने उनको रोक लिया कि आप इस शो में बैठिए। भाईलाल पटेल शिकागो से यहाँ पर आए हैं और वहाँ देसी टॉक नाम का पेपर चलाते हैं, बड़ा मीडिया हाउस है जिसको ये लीड करते हैं, और अमेरिका के सारे जो भारतीय हैं वो बाकी अखबार पढ़े ना पढ़े लेकिन देसी टॉक जरूर पढ़ते, क्योंकि देसी का मतलब हिंदुस्तानी की बात ये करते हैं। ओबामा के इस बयान को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? ओबामा ने जो स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट उसको देना नहीं चाहता था, पहला इट इज़ नन ऑफ हिज बिजनेस, दूसरा मुल्क का इंटरफियर करने की कोई उनको ज़रूरत नहीं थी, हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान एक ही है, वो उसको डिफरेंस का क्यों किया वो मालूम नहीं है, पर हिंदुस्तान का मुस्लिम और हिंदू एक ही है, हमारा सेक्युलर कंट्री है, हिंदुस्तान का मुस्लिम है सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, गवर्नर बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, और उसमें कोई फर्क नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आया, मैं भी शिकागो है, ओबामा में भी शिकागो, आई नो हिम, पर ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया वो मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो जरूरत नहीं थी ना। बिकॉज इस पे भी चर्चा होनी चाहिए, ये बात जो है ना इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। जिलानी जी आप कैसा देखते हैं? क्या मैं जो भारत की विरासत है, जो हमारी संस्कृति, ये सांझा संस्कृति, जो हम लोग आस्था और संस्कार की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसी परिवेश में ओबामा साहब ने कहा है कि आप अपनी चीजों को संभाल के रखिए। और देखिए हम लोग क्योंकि यहाँ पे जितने भी मुस्लिम भाई हैं वो कहीं ना कहीं किसी से कन्वर्जन का एक रहा है, आप 200 साल पहले ले लीजिए, 1000 साल पहले ले लीजिए, तो हिंदुस्तान के जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग थे उनसे वो कन्वर्ट होके मुसलमान हुए। तो मुझे लगता है ये सारी की सारी जो उनकी भूमिका रही है उसको उन्होंने अपने मद्देनजर रख के ये बात कही है कि आप संभालिए। बिल्कुल संभालना जरूरी एक है। एक बात जोड़ देता हूं, अभी थोड़ी देर पहले मुबारक जी ने कहा था कि ये सारे केवल गले लगाने से हुए, ऐसा तो नहीं है ना, आप इनसे सहमत हैं?
कुछ तलवार के बल पे भी हुए। देखिए मैं अब इनकी क्या बात करें, मैं अब इनका परिचय देना नहीं चाह रहा हूं। मेरे एक शो में ये राष्ट्रीय गान पे शो छोड़ के चले गए, राष्ट्रीय गान पे इन्होंने सवाल उठा लिया था। तो इस सोच के जो लोग हैं हम उनका जवाब नहीं देते। हमें देखिए भारत के लोग, भारत के, हमें भारत की जो संस्कृति, जो भारत ने हमें अपनी जगह दे रखी है, हम उसके बारे में सोचते हैं। और भारत को कैसे पूरे विश्व में नंबर वन बनाना है, उसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब मिलकर ही भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, उसमें हम लोग काम करें। कोई आपत्ति है शायद? हाँ देखिए यासिर जिलानी, मैं आपकी इस बात से आपत्ति करता हूं कि भारत ने मुझे जगह दे रखी है, भारत में मैंने जगह ले रखी है। अगर मैं पाकिस्तानी होता तो पाकिस्तान चला गया होता। सुनिए 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 सुनिए, आप बात बात क्यों गलत कर रहे हैं? ये देखिए सुनिए, गलत कर दी आप, इनके शब्दों पर ध्यान दीजिए कि आपको नहीं पता तारीख मानते हैं क्या? सुनिए, आक्रांता राजा को आप मानते हैं ये बता दीजिए। सुन लीजिए बेटा, हां बता देने मैं, मेरे बच्चे सुन लो, सुन लो आप भी समझ। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी आपका खून बहुत गर्म है, सुनिए। नहीं आपका भी गर्म है, ये विद्वान लोग बैठे हैं यहां, हमने जंगे आजादी में कुर्बानी दी है, जिनको भागना था कुर्बानी। अरे आपके देने से थोड़ी आजाद हो गया भारत, लाखों करोड़ों लोगों ने जिनको पाकिस्तान जाना, वो सब हिंदुस्तानी, और किसने, वो कोई हिंदू और मुसलमान नहीं थे, वो सब हिंदुस्तानी थे, जिन्होंने बोल के देश के लिए मुसलमान जी। हमने तो टू नेशन थ्योरी को तमाचा मार के इस देश को अपनाया और इस देश में रह गए। कैसी बात ये कर रहे हैं? हमने जिन्ना जैसे आदमी को लात मार के भगा दिया और हम भारत भारत में रहने रह रहे। आप इस तरह की बात नहीं करिए, भारत ने हमें अपना। एक मिनट एक मिनट, आप आपके आप एक रशीदी रशीदी जी, तालियां मिलने से आदमी नहीं 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 सोच से बड़ा होता है आदमी। रशीदी जी रशीदी जी, मैदान में डमरू बजाने रशीदी जी, देखिए कलाकार एक आदमी उभरता है, आप डमरू बजा रहे हैं, तालियां मिलने से बड़ा नहीं होता आदमी। सुन लीजिए बात, एक दिन बाकी लोग मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता कि मुझे हिंदुस्तान में जगह देने वाला कोई और है। हिंदुस्तान में जगह मैंने ली है, राशिदी जी कुर्बानी दी, राशिदी जी कुर्बानी दी है, मेरे बाप दादा ने कुर्बानी दी है। आप तो दलाली कर रहे थे, आरएसएस के लोग तो दलाल थे, आरएसएस के लोग तो दलाल थे, आरएसएस के लोग तो दलाल थे जंग आजादी में, दलाल थे जंग आजादी में। आप तो आरएसएस के लोग तो दलाली कर रहे थे जंग आजादी में, आप तो आजादी नहीं चाहते थे, आप तो आजादी नहीं चाहते थे, आरएसएस के लोग तो आजादी नहीं चाहते थे। आपने तो झंडे को तस्लीम नहीं किया, आपने तो झंडे को तस्लीम नहीं किया। आज भी नागपुर में भगवा झंडा फहराया जाता है, आज भी नागपुर में भगवा झंडा फहराया जाता है, आज भी नागपुर में भगवा झंडा फहराया जाता है। देसी बन गए भाई। राशिदी जी राशिदी जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अच्छा एक मिनट, बाकी लोग बात न करें। आजादी मिली कहा भारत को, एक आपने 10 लाख हत्याएं करवा के एक नया देश बंटवारे में हमें कर दिया। अच्छा है ऐसा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, राशिदी जी गलत बात कर रहे हैं। अच्छा है ये आपत्ति, अच्छा है एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बाकी लोग बात मत करिए ना, बाकी लोग एक मिनट में बात करते हैं। अच्छा देखिए मुझे क्या लगता है, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सब लोग बोलेंगे तो फिर वो भारत की संसद हो जाएगी। बिल्कुल भारत की संसद बन गई है, बहुत। एक मिनट एक मिनट सुन लीजिए, मैं अपना वर्जन देता हूं जो बात आपने कही, बात एक ही है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि इन्होंने कहा कि हमको रखा और आप कह रहे कि मेरा अधिकार है। इसमें इतना ही फर्क है कि अधिकार मांगने वाले जिन्ना ने पाकिस्तान ले लिया और इस देश का कहने वाले कलाम ने देश चुन लिया। तो आप जिन्ना वाले मुसलमान है, जिन्ना वाले आप जिन्ना वाले मुसलमान है जो अधिकार मांगते हैं, अधिकार मांगते हैं। आपके आपके दो भाई है, आप दो भाई है, आप दो भाई है, जिन्ना वाला मुसलमान निकाल दीजिए हिंदुस्तान से। देखिए शहीद अशफाक की बात नहीं करते, अच्छा जो आपके दो भाई है, आपके दो भाई है, आप दो भाई है, आपके भाई, आपके भाई क्या कहेंगे, आपके माई को क्या कहेंगे, आपके माँ कैसे कहेंगे? प्रोग्राम नहीं चलेगा। अरे अधिकार मुझे कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, आप कह सकते हो कैसे नहीं चलेगा, कह सकते हो प्रोग्राम चलेगा। अधिकार मांगने वाला
प्रोग्राम, मेरे प्रोग्राम नहीं चलेगा। ओबामा तो आपके शब्द वापस लीजिए, आप अधिकार की बात कैसे कर रहे, आप अधिकार कैसे ले रहे, आप अधिकार कैसे बात, आपने क्यों चुना, क्यों अधिकार, अधिकार क्यों, आप मुझे पाकिस्तानी बताना चाहते, आप आपके माँ के, आप मुझे पाकिस्तानी बताना चाहते, जिना के साथ कहा, वापस लीजिए अपने शब्द, मैंने तो नहीं कहा, आप मुझे जिना के साथ जोड़कर पाकिस्तानी बताना चाहते, मैं खंडन करता हूँ इस बात को। नीचे बैठे, नीचे बैठे, नीचे बैठे, एक मिनट, एक मिनट, अरे अरे ओबामा की, ओबामा की बहस करेंगे हम, चर्चा करेंगे, ये प्रोग्राम मुझे पाकिस्तान से जोड़ने वाला प्रोग्राम नहीं करूंगा। अरे बाकी लोग भी बात करेंगे ना, मुझे पाकिस्तान से जोड़ने वाला प्रोग्राम नहीं करूंगा, बाकी लोग बात कीजिएगा, एक मिनट, सब लोग बात करेंगे, मुझे पाकिस्तान से जोड़ने वाला प्रोग्राम नहीं करूंगा। अच्छा पूरी बात सुन लीजिए, जो पाकिस्तानी लोगों के साथ, पूरी बात सुनिए, एक पूरी बात सुन के वापस, पूरी बात सुन, पूरी बात सुननी पड़ेगी, मुसलमान नहीं है, अरे बात तो सुनिए, बात सुनिए पूरी, मेरा ये कहना है मुसलमान नहीं, हमारे लिए जिला का पाकिस्तान वाला मुसलमान नहीं है। एक मिनट, आप किसके मुसलमान, अच्छा एक मिनट, आप किसके मुसलमान है, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान, किसके, किसके जैसा, हिंदुस्तानी मुसलमान, एक नाम बताए किसके जैसा, हिंदुस्तानी मुसलमान, किसके जैसा, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान, किसके जैसा, हम तो हिंदुस्तानी, हम उदाहरण मांग रहे हैं, हम उदाहरण मांग रहे हैं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, कैसा मुसलमान होता है, कैसे मुसलमान होता है, हमारे सामने दो उदाहरण है, हमारे सामने हिंदुस्तान के आजादी में, एक मिनट, एक मिनट, मैंने बुनियाद पर, मैंने बुनियाद पर, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं कंडम करता हूँ ऐसे प्रोग्राम का, एक मिनट, आप कंडम नहीं, आप महानिषेध करें, लेकिन बात सुननी पड़ेगी, आप जिना के साथ से पूरी बात सुननी पड़ेगी, नहीं तो मैं प्रोग्राम, पूरी बात सुननी पड़ेगी, पूरी बात सुननी पड़ेगी, नहीं आपने बात सुनी क्या, मैं क्या कह रहा हूँ, जिना वाला मुसलमान दिख रहा है, आप हिंदुस्तान में रहने वाले, अरे मैंने क्या कहा, अफसोस की बात है, मैंने क्या कहा, एक मिनट, एक मिनट, इसीलिए कोई, एक मिनट, एक मिनट, इसीलिए प्रोग्राम में नहीं आता, अरे आपके नहीं आने से क्या होता है, सुदर्शन चलता नहीं है, नहीं आता कोई आने में, इसीलिए क्यों नहीं आता, ये कौन मुसलमान नहीं है, गलत है ये, मुसलमान नहीं है सर, आपकी सोच गलत है, ये मुसलमान नहीं है, हिंदुस्तानी मुसलमान को पाकिस्तान से जोड़ना चाहते हैं, ये मैं इनके लिए पाकिस्तानी कह रहा हूँ, आपके है और आप हमारे नहीं है, मोहन भागवत के साथ, यही तो फर्क है जीना वाले में, यही तो फर्क है जीना वाले और बहन जीना वाले में। ऐसा है, इस देश को मोहन भागवत वाला मुसलमान चल सकता है, लेकिन ओवैसी वाला मुसलमान नहीं चल सकता। मैं मोहन भागवत वाला मुसलमान नहीं हूँ। अरे ये तो डर के भाग रहे, ये तो डर के भाग रहे, ये देखिए, ये देखिए, बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं फिर भी उनके जाने के बाद भी मैं अपनी बात पूरी रखना चाहता हूं, क्योंकि हमारे दर्शकों में गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। फर्क क्या है, फर्क क्या है, फर्क यह है, फर्क यह है कि भारत में पाकिस्तान बनने के पहले, मैंने जिना का नाम क्यों लिया, आखिर इस देश में अधिकार की बात करने वाले मुसलमान ने पाकिस्तान बनाया, यह सच है, इसको कोई नकार नहीं सकता, और कैसे बनाया, तो उसने डायरेक्ट एक्शन डे किया था, बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, हिंदुस्तान के इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता, बच्चों को पता नहीं है, एक डेट तय की गई, कहा गया कि इस दिन तक अगर पाकिस्तान का निर्णय नहीं होगा तो तमाम हिंदुओं को हम काट देंगे, ये बात जिना के मुस्लिम लीग ने कही, करके दिखाई, इतने लोग काटे गए कि तब की जो लीडरशिप थी वो झुक गई और पाकिस्तान का निर्णय कांग्रेस को करना पड़ा। अधिकार की बात करने वाला में और अपना मानने में यह फर्क है, एक ही माँ के दो बेटे हैं, एक बेटा कहता है कि माँ मेरी है, माँ ने मुझे रखा है, और दूसरा कहता है कि ये मेरा अधिकार है, माँ को मुझे रखना पड़ेगा, ये दोनों में फर्क है, और ये दोनों का फर्क का वर्णन करने के लिए जिना से गंदा दूसरा कोई कैरेक्टर नहीं हो सकता, इसलिए मैंने जिना का नाम लिया था, मैं अपने बयान पर कायम हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आपके पास चलते हैं, हमारे साथ और भी कई सांसद हैं, उनके पास चलते हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर बोला गया, फिर
चीर कर बहा दो लहू दुश्मन के सीने का, यही तो मजा है मुसलमान होकर जीने का। ऐसे शब्द, ऐसे अब ये जीना वाला स्टेटमेंट नहीं है तो क्या ये क्या कहेंगे? हम भी तो ये क्या कहेंगे? देखिए हम अनुपात की तो बात ही नहीं कर रहे हैं जी, बिल्कुल। इस वक्त हमने ये नहीं कहा कि कौन ज्यादा है कौन कम है, लेकिन कुछ लोग हैं ये तो यही भी अभी बैठे हुए हैं। वो तो सब जगह देखिए एक एक बात ठीक है, ऐसी सोच रखने वाले हर हर मुसलमान भारत के वासी हो नहीं सकते। एक मिनट बात हो गया आगे, मैं थोड़ा विषय को बदल रही हूँ। ये वही ओबामा है हमारे देश की सेलिब्रिटी शाहरुख खान को 3 घंटे अमेरिका के क्या कहते हैं इमिग्रेशन में बिठाया जाता है, क्या वो हमारे देश की वो जान है शान है? ये नहीं नहीं, मैं इसको नहीं मानता। एक मिनट मैं आपको करेक्ट कर दूं, एक मिनट मैं करेक्ट करता हूं, मैं करेक्ट करता हूं। शाहरुख खान को एक मिनट आपस में बात मत करिए, शाहरुख खान मुसलमान होने के कारण नहीं कह रहा हूँ। शाहरुख खान जिस इवेंट के लिए अमेरिका में गया था उस इवेंट का डी कंपनी के साथ रिलेशन होने का इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन उस सरकार के पास था, अमेरिका सरकार के पास था, इस बात से शाहरुख को अवगत भी कराया गया था। अच्छा, अच्छा, और इसलिए उसके बाद के इवेंट में शाहरुख नहीं गया। अटलांटा के इस इवेंट में शाहरुख खान जिसमें जा रहा था, पाकिस्तान में बाढ़ आने के कारण जो राहत इकट्ठा करने के लिए इवेंट हो रही थी उसका पूरा लिंक डी कंपनी के साथ था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति इतने बड़े साइंटिस्ट, आज बराक ओबामा को आज ये बात ध्यान आ रही है? उस समय जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, मैं यही अंतर बताना चाहता था, इस पर मौलाना जी इतने नाराज हो गए। आज बराक ओबामा पता नहीं किस राजनीति के तहत, किस षड्यंत्र के तहत भारत आए और उन्होंने यहां विभाजन को और मजबूत करने का प्रयास किया। आज देखिए एक सत्य है सुरेश जी, हमें सबको मानना पड़ेगा। एक मिनट सुनिए, आप सुन भी लीजिए। देखिए ये एक चीज हम सबको सोचनी पड़ेगी कि आज किसी की भी गलती हो, चाहे हिंदू की है चाहे मुसलमान की है, लेकिन एक बहुत बड़ी खाई क्रिएट हो गई है हिंदू और मुसलमान के बीच में। अब ऐसे लोग उसे और चौड़ा करना चाहते हैं। यही बराक ओबामा और चीन के राष्ट्रपति वगैरह भी कभी कभी ऐसे उल्टे सीधे उल जलूल स्टेटमेंट देते रहते हैं। सबसे पहले यहां के मुसलमान को यह देखना चाहिए कि ये लोग अपने देशों में मुसलमान के साथ क्या कर रहे हैं। मैं मौलाना साहब को केवल इतना बताना चाहता था जिस पर वो इतने नाराज हो गए। देखिए मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से मानता हूं सुरेश जी, ये जितने भी लोग यूरोपियन हैं, ये अमेरिकन हैं, ये इनका कोई धर्म नहीं होता, ये सबसे बड़े व्यापारी हैं दुनिया के और इनका काम लोगों को लड़वाकर चलता है। भारत का मुसलमान कल क्या था आज क्या है मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसे अभी मौलाना साहब खुद कह रहे थे कि अगर मैं जिन्ना वाला हूं तो मुझे निकाल कर दिखाओ यहां से, क्योंकि उन्हें भारत के लोकतंत्र ने इतनी ताकत दे रखी है कि वो ऐसी बकवास कर सकते हैं। ये लोकतंत्र की ताकत है हमारे की, क्योंकि उन्हें पता है हम लोग चैनल वाले या साधु महात्माओं ने निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये भारत के उदार लोकतंत्र की ताकत है। अभी जिस घटना को ये लोग बता रहे थे, मेरे बच्चे बता रहे थे, वहां 4 हिंदुओं पर रासुका लगाई है जो जुलूस का विरोध करना चाहते थे और 7 मुसलमानों को पकड़ा है, उन पर ऐसी धाराएं लगाई गई है। मध्य प्रदेश की राष्ट्रवादी जिसे ये लोग आरएसएस की सरकार कहते हैं, उस सरकार ने ऐसी धाराएं लगाई है कि वो 2 दिन में उनकी जमानत हो जाएगी। 153A और 123A धारा 7 मुसलमानों पर लगाई है और 4 हिंदू जो उस जलूस का विरोध की तैयारी कर रहे थे उन पर रासुका लगा दी। ये दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, केवल ये भारत में हो सकता है। ये तो शर्मनाक बात है, ये शर्मनाक बात है। जो लोग मारने काटने की बात कर रहे हैं वो केवल इसलिए छोड़ दिए गए कि वो मुसलमान है, उन पर हल्की धाराएं लगाई गई और जो उनका विरोध कर रहे थे उन पर रासुका में कार्रवाई हुई है। इसके लिए भी अगर हम ही दोषी हैं फिर भी हमें दोषी बनाया जा रहा है। चलिए जो बात आप मौलाना के बारे में कह रहे थे, ऐसा बोलने वाले लोगों को अगर व्यवस्था नहीं निकालती तो स्थिति ऐसी बनती कि उनको उठ के जाना पड़ता है। समाज में भी यह बन रहा है, आप देख रहे कई जगह पर ऐसे विरोध करने वालों की क्या स्थिति है। इस्लाम इस देश में आया तलवार के बल पर भी आया, रोजगार के लिए गलत बात है, एकदम गलत बात है, रोजगार के लिए गलत नहीं करी थी, गलत बात है। दोनों बातें बताइए ना, आप उसको बोल दीजिए जब आपको बात रखिए। अमीर खुसरो सबको याद होंगे जब इस
धरती पर आए उनको तूतिये हिंद बोला जाता था। उन्होंने हिंदी भाषा का, उर्दू जिसको आज कहते हैं, उसका आविष्कार किया। जो हाल मिश्की मुगुंत गाफल दुराए नैना बनाए बतिया, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। रस खान भी इसी देश के अंदर थे। ये देश की धरती ऐसी है कि सबको शश श्यामला, सबको बाजू फैला करके अपने अंदर समेटती है। आज अमेरिका ने सीरिया बर्बाद कर दिया, इराक बर्बाद कर दिया, आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन भारत के अंदर मैं प्रेस करूंगी कि मुस्लिम समाज रहता है। इस्लामिक स्टेट ने बहुत भड़काने की कोशिश की, केवल 50 लड़के ऐसे थे जो गए। नहीं मूर्खता, बैठ के बैठ के लोगों का जो आप चौहान के साहब बैठ के बात साहब देखिए एक मिनट बात तो करनी थी। चौहान साहब एक बात सुनिए, मौलाना में क्या फर्क है? उनसे भी उन्होंने यूरोपियन मुस्लिम की तरह गले नहीं काटे, उनसे सफाई का काम लिया, घर में उनसे खाना पकवाने का काम लिया। और जो यहाँ का मुस्लिम है, पहले आज बदलता जा रहा है, पहले जय राम जी की बोलता था गांव में, आज भी बोलता था, हिजाब पे भी इतना पाबंद नहीं था, आज तो औरतें हिजाब पहन रही हैं, अलग तरह की बातें कर रही हैं। मतलब कट्टर होता जा रहा है, क्यों होता जा रहा है? हिजाब पहनना कटता है। और सुनिए, अरब की तरफ देखते थे, अरब हमको यहाँ मदरसों को एड देते थे, आज अरब की खुद हालत खराब है। 52 मुस्लिम देश कष्ट में है। अरबों का जो प्रिंस है वो जाकर के ईरान में चला गया है, अरब तो खुद प्रॉब्लम में है। जिस दिन ये तेल की दौलत के ऊपर यहाँ पर पैसा देना बंद हो जाएगा, जाकिर नाइक जैसे लोग यहाँ से हट जाएंगे। ये मुसलमान हमारे अपने हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन तब तक जो विष फैलाया जा रहा है, उस विष का क्या होगा, ये मुख्य मुद्दा है। मेरे पिताजी की लाहौर में ट्रांसफर थी, पाकिस्तान बन गया, वो आ ही नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे? पता चला नूरजहां पाकिस्तान जा रही है, इसलिए वहां पे बैठे हुए हैं। अब बताइए, जहां इतने प्रेम और ऐसे ऐसे फैन हो, और मैं नसीरुद्दीन शाह की फैन हूँ। एक मिनट, नहीं एक बात बता, नहीं मैं संसद है, संसद है ना, पूरी बात कहने दी। सुदर्शन की जन संसद है, इसमें सबको बोलने का अधिकार है, सच्चाइयां भी है, उनमें भी वही कहना है। आप पूरी वाक्य तो सुने, उन्होंने भी ये कहा फाइनली कि कट्टरता बन रही है, उनका कहना भी वही था, आपका कहना, आप इतना सुन नहीं पा रहे, इतना फर्क है। हाँ, मेरे घर में बॉम्बे में जो मेरी बच्ची गीता को पालती है, वो नज्जो है। नज्जो अच्छी भली आती थी, एक दिन नकाब पहने आ रही, मैंने कहा तू क्यों नकाब पहन के आ गई? मैंने ऐसे नहीं कि क्यों पहना है, मैंने कहा अरे तू आज कैसे बन के आ गई? अरे आंटी, वो जो इंग्लिश बोलती है ना फलाने की मम्मी, जब वो पहन सकती हो तो मैं क्यों नहीं पहन सकती? ये कहां से आया? आप समझ में आया आपको? हाँ। उनको क्या कहना है? तो वो जो जीन आपकी भाषा में और इनकी भाषा में फर्क है, कहना है कि मैं इन्हीं के बात को आगे बढ़ाता हूं। दीवानों की भाषा नहीं बोल, अल्लामा इकबाल साहब ने तो अभी नहीं, अल्लामा इकबाल साहब ने तो आजादी से पहले कहा है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाम। कहां ला रहे हैं आप? आप बताइए, इतिहास बता रहा हूं, कहां की बात है? इतिहास बता रहा हूं, अभी कहां आगे इस डिबेट पे? एक मिनट मेरी बात सुनिए, क्या हिजाब पहनना गलत है? अरे किसने कह दिया आप? अच्छा, अच्छा, मुद्दा मुद्दा एक मिनट में, एक मिनट, सलमान साहब भी तो यहाँ के हैं, वो तो ठीक है, तो है, तो डिबेट का मुद्दा कहाँ है? डिबेट का मुद्दा क्या है, क्या नहीं है? उनकी बात तो वो जो साझा संस्कृति, ठीक है, ठीक है, नज्जो मेरे साथ, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, गणेश जी, अगर एक मिनट सुनिए, मॉल घूमने जाती है तो नकाब नहीं पहनती, जब अपने घर जाती है सुबह शाम तब नकाब पहन के जाती है, क्यों? क्योंकि वो तलाकशुदा है, वो कह रही मेरी शादी अच्छी हो जाएगी। आप मुझे बताएं गनी जी, आपने दाढ़ी नहीं रखी है, मुझ भी हटा दी है, तो अब आप कहेंगे कि अगर मैं वो रखूं तो क्या आपत्ति है? हमको उसमें भी आपत्ति नहीं, इसमें आपत्ति है, नाटक क्यों करना है? पर्सनल मैटर है, पर्सनल है, मुझे बताइए। एक मिनट, मुद्दा कुल मिला के, मैडम एक मिनट, ऐसा है, अच्छा एक मुझे बताइए, इस्लाम में भारत के मुसलमानों को
कुल मिला के कहने का इनका मतलब है कि भारत के मुसलमानों को अरबी मुसलमानों की नकल करने की क्या जरूरत है? क्यों अरबी नहीं है, क्या जरूरत नहीं है? उसका विरोध हो रहा है, उसका विरोध हो रहा है, इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। और हम अरब के मुसलमान को उसे मुसलमान नहीं मानते। मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ, तो फिर हदीस में आप तरमीम की बात मान गए? जो हदीस में प्रिंस ने कहा है, अरे क्या बात कर रहे हैं आप? जो जो गलत है वो गलत हदीस है वो निकाल दो, गलत हदीस है सारी निकाल दो। नहीं सकता, इनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इन्हें मानना भी। आप मानिए, अरे ऐसा वहाँ के राजा ने यही कहा है कि जो पुरानी हदीस है उसको चेंज कर दीजिए। आप मानते हैं? ऐसा है, सुन तो लो, ऐसा आज का मुद्दे में हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, आज का मुद्दा हिंदुस्तान का असर हो रहा है इनके ऊपर, दोनों के बीच में बैठे हैं, थोड़ा असर होगा। अब आप मुझे बताइए, हम चर्चा पे दोबारा लौटते हम दोबारा लौटते हैं। इन दोनों का कहने का मतलब ये था कि जो मुसलमान कल तक हम जैसा रहता था, सब कुछ हमारे जैसा करता था, जिस कारण हमें भी कोई अपनापन होने में एक और मुद्दा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी पैंट छोटे भाई की होने लगी, शर्ट बड़े भाई का होने लगा, दाढ़ी होने लगी, मूछ हटने लगी, टोपी ऊपर आ गई, बीबी को अचानक बुरखा पहनाने लगा, क्या जरूरत थी? कल कनॉट प्लेस में एक वाकया हुआ। क्या क्यों? एक मिनट, छेड़ा गया। आप पूछ लीजिए पूरे हिंदुस्तान में पुलिस में जा करके कि सबसे ज्यादा जो कम रिपोर्ट नकाब पहनने वाली लिखाती हैं कि हमारे साथ छिड़कानी हुआ, बदतमीजी हुआ। जो अदनंगी औरतें होती हैं सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन में उन्हीं की रिपोर्ट आती है हमें छेड़ा। अरे भैया लिबास अच्छा पहनोगी तब तो, हमारे साथ एक आके हमारे सुदर्शन एकेडमी की स्टूडेंट है, ये फेस ऑफ इंडिया करके अभी लंदन में जीत के आई है, उसका अभिनंदन भी करते, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, इसको अभी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। हाँ सर, जो इन्होंने बात बोली कि अदनंगी औरतें रिपोर्ट्स लिखाने जाती हैं, सर मैं उन लोगों की मेंटालिटी पर मुझे घिन आ रही है कि वो कुछ मतलब हिंदुस्तान के पहनावे को ऐसा बोल रहे हैं अदनंगी औरतें, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखिए मजहब अंग्रेजों का पहनावा है सर, आपका नजरिया। देखिए मजहब इस्लाम क्या कहता है? हिंदुस्तान का पहनावा ये है, ये ये नहीं, आपको पहनावा हमारे हिंदुस्तान का संविधान, हमारे हिंदुस्तान के संविधान में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि हमें ऐसे कपड़े पहने, ऐसे कपड़े पहने, जिसकी मर्जी होगी जो जैसे कपड़े पहनना चाहता है वो पहन सकता है, और अपना नजरिया चेंज करिए। देखिए मजहब इस्लाम के अंदर, देखिए भाई साहब मजहब इस्लाम के अंदर मुसलमानों के लिए एक खास हिदायत है कि आप निगाहें नीचे करके चलिए, कोई कैसे भी कपड़े पहन रहा है, कोई कैसे नहीं पहन रहा, हमें इसका तरफ जाने की क्या जरूरत है? ये एक बात सुनो, अगर आपकी निगाहें उठ गई, अगर आपकी आपकी नहीं आपकी निगाहें अगर ऊपर उठ गई, ओबामा के स्टेटमेंट पे आगे बढ़ते हैं। आपकी बात बताइए, अल्पसंख्यक मैं इनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ये जो बैठी है, ये बैठी है, ठीक है चले चले, हम मुद्दे पे, हम मुद्दे पे आते हैं। बोलो आप, बोलो आप, बोलो सुरेश जी। ओबामा अमेरिका जैसे राष्ट्र के राष्ट्रपति रहे हैं, और अगर उन्होंने एक सवाल उठाया है कि वर्तमान हिंदुस्तान के मुसलमान या इस्लाम जो है कुछ बदलाव आया है, उसको अपनी सांझी संस्कृति विरासत को बरकरार रखनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, क्योंकि ये कोई शक नहीं इसमें कि हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान हजारों हजार साल से एक साथ सांझी संस्कृति विरासत को अपने बरकरार रखते हुए आ रहे हैं, मगर जब हिंदुस्तान के अंदर से बरकरार रखी, इस शब्द पे मेरी आपत्ति है, क्योंकि अगर बराबर रखी तो पाकिस्तान बन गया, वो क्या है? नहीं तो पाकिस्तान बन गया, वो क्या है? वो विरासत उन्होंने बराबर नहीं रखी, नहीं रखी। देखिए जब ये मुल्क की आजादी की जंग लड़ी जा रही थी,
तो उसमें कोई हिंदू और मुसलमान नहीं लड़ा था, हिंदुस्तान लड़ा थे। और उसके बाद जैसे ही आजादी का वक्त नजदीक आया, दो दो हमारे दो नजरियात पैदा हो गए, और एक नजरियात पाकिस्तान वाला हो गया, एक हिंदुस्तान वाला हो गया। आज फिर बराक ओबामा को शायद वो वाली भनक लग रही है कि हम मुसलमानों में कहीं ऐसा वो नजरियात दोबारा ना पैदा हो जाए। कश्मीर में क्या हो रहा है, वही वही है, वही इसलिए वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, वो सोच सही है। एक मिनट, सलाह देने वाले का उद्देश्य क्या था इसमें जाने के बजाय, हम ये देखे कि क्या वो सलाह हमारे फायदे की या नुकसान की है। हमारे फायदे की है जी, हमारे मुल्क में आज आज हमारा आज एक तरफ कश्मीर है, पाकिस्तान रोजाना हमारे बाहर खाली, पाकिस्तान रोजाना लोग बहुसंख्यक हो जाते हैं। ठीक है, 30 सेकंड से ज्यादा मत कहते जाइए। हाँ, उमर खाली जैसे लोग जब जेएनयू से कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तब ओबामा को सोचने की जरूरत होती है। बताइए गनी जी, ये बोल रहे हैं सही है कि नहीं? और जेएनयू में जब उमर खाली जैसे लोग कहते हैं, भाई साहब आज भी खतरा है हिंदुस्तान में, हर गांव वाली लोग आज भी खड़े हुए, जो लोग भी ऐसा चले आगे इत्तेफाक नहीं रखता उनके किसी भी बयान से, मुझे लगता है ठीक है उनको दीजिए, उन्होंने सोचने की जरूरत है। ठीक है उनको दीजिए। जब भी मुसलमान हिंदू इलाके में थोड़े होते हैं, वो घी मिश्री होकर रहते हैं, पता ही नहीं चलता कौन सी कौम है। जैसे ही धीरे धीरे पॉपुलेशन इनकी जब बढ़ती जाती है, मौसम बदलने लगता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ वहाँ के रहने वाले बदलने लगते हैं। मुबारक जी, आप जैसे लोगों के लिए कह रहे हैं मैडम, बताइए। गलत बात है, बोलिए मुबारक जी। एक मिनट एक मिनट, रशीदी जब से गए मुबारक जी बोली नहीं रहे, रशीदी जब से गए हैं उनके गुरु चले गए तो बोली नहीं। एक मिनट एक मिनट, ये सच्चा इल्जाम है, बोलिए। ये इल्जाम नहीं है, ये हकीकत है। ये जो सबसे आप बोलिए, अगर ऐसा है तो ऐसा होता भी है, ऐसा भी होता है तो हम लोगों को उसको सुधारने के लिए हम लोगों का काम क्या है? सुधारने का काम करना चाहिए। जो इस तरह से कोई काम कर रहा है तो उसके ऐसे बिगाड़ वाले काम आगे नहीं बढ़ाने देना चाहिए। एक मिनट, बाकी लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आज के जनसंसद, अनावश्यक। हाँ, जिसके पास माइक है वही बोलिए। हाँ, जींस कभी खत्म नहीं होते। मोहम्मद गौरी आए थे लड़ने, 13 बार हारे, हमारे चौहान जी ने छोड़ दिया। एक बार वो हारे तो उन्होंने उनकी आंखें वो कहकर कत्लेआम ही कर दिया। इतने बहादुर राजा थे कि वो खुद ही मर गए। अच्छा, अब आती है जो लिबास। हमारे हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म में पर्दा प्रथा नहीं थी। ये मुसलमान जब आए, ये सीधे सुने, पता नहीं कहाँ से बोल रही है भैया, नहीं ये सच्चाई बोल रही है, सच्चाई उसका खुलासा करो। मुझे आज समझ में नहीं आ रहा, एक मिनट एक मिनट भाई, बोलने तो दो, आप उसका खंडन करो ना। हाँ बोली बोली। जब पर्दा प्रथा, लोगों ने अपनी लड़कियां छुपाने के लिए, रानियां छुपाने के लिए गर्दन काटनी, लौसा लौसा की प्रथा आई, और ये जो क्या है वो जोहर आया, ये सिर्फ मुसलमानों की वजह से आया। हमारे हिंदुस्तान में बराबर का हिस्सा था, गार्गी को देखे बराबर बैठ के शास्त्रार्थ करती थी, हर तरफ से लड़ती थी, आदमी के साथ जंग के मैदान में लड़ती थी। लेकिन अब ये है कि जब ये लोग ये कहते हैं ना कि हम बराबर लड़े, तब ये अंग्रेजों के खिलाफ बराबर लगे। अब ये क्या है इनके दिमाग में, हिंदू और मुस्लिम। और अब नई चीज आने लगी, एक मैं उस दिन हॉस्पिटल गई, एक औरत के मैंने वहां में देखे सोराइसिस था, यहाँ तक बुरका पहना यहाँ तक। मैंने कहा सुन, तेरे को सराइसिस है, कॉटन के कपड़े पहन। कहती ये तो खराब, मैं कहती पूरा तेरा ना शरीर ही जल जाएगा। अब ये लोग और जहालत को फैला रहे हैं। अब इन लोगों को चाहिए अपनी औरतों को, नहीं औरतों को पढ़ाएं। सुन लीजिए, बिल्कुल सही पॉइंट में आ रही हूँ, औरतों को पढ़ाएं, धर्म की सही व्याख्या करें। धर्म का मतलब यह नहीं कि 5 माह नमाज पढ़ ली और शोर मचा लिया। सबसे बड़ी बात ये है, मैं ये कहता हूँ गनी जी, ये जब कह रही है कि मुसलमान ऐसे आक्रांत आए जिनके कारण यहाँ पर बुरका या पर्दा प्रथा आई, तो उन उस खिलजी जैसे मुसलमानों से आपको क्यों प्रेम है? मुझे तो भाई पता है, तो? मेरा जो स्टडी है उसमें ये बताया गया कि सनातन धर्म में शुरू से पर्दा है। आपकी सबसे बड़ी समस्या ये है, राधा राधा और कृष्ण दोनों साथ कैसे हो गए? हमारे यहाँ
हमारे यहाँ कभी भी पर्दा प्रथा नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी, जौहर नहीं होते थे हमारे यहाँ, हमारे यहाँ रात की शादियां नहीं होती थी, भ्रूण हत्या नहीं थी, ये सब तब बाल विवाह नहीं था हमारे यहाँ, ये सब तब आया जब इस्लाम यहाँ आया। बदल नहीं, मुसलमान आए, इस्लाम नहीं, ठीक है, मुसलमान आए, मुसलमान आए, इस्लाम खुद बता दीजिए, इस्लाम अलग चीज, मुसलमान आए, ठीक है, मुसलमान है, मुसलमान अलग चीज है, इस्लाम अलग, इस्लाम अलग चीज है, हाँ मुस्लिम आए, ये मुस्लिम आक्रांता कहिए, आक्रांता है तो वो आक्रांता, आप इस्लामी जिहादियों ने क्या किया है या 1300 वर्षों से ये सब किया तो बदल दीजिए इसको, ठीक है, नहीं बदल रहे हैं धीरे धीरे और बदल देंगे, बदल देंगे, बिल्कुल बदल देंगे। हाँ महाराज जी, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोई भी आप हिंदू धर्म ग्रंथ देख लीजिए पुराना, एक मिनट मौलाना साहब, एक मिनट भैया जी, देखिए ये जो भी कह रहे हैं हमारे धर्म में ये बीमारियां नहीं थी, मैं महंत जी के शब्दों को वापस लेता हूं, मैं इस्लाम नहीं कहूंगा, मुस्लिम लुटेरे वो कहीं के शासक नहीं थे, कहीं के पढ़े लिखे मौलाना भी नहीं थे, वो केवल लुटेरे थे जो भारत को लूटने के लिए आते थे, उन्होंने यहां आकर जो नंगा नाच दिखाया हम तो उसी को इस्लाम मानते हैं, भाई तुम अच्छा इस्लाम दिखाओ हमें हम उसे मानेंगे, मैं इस बच्चे की बात बहुत ध्यान से सुन रहा हूं, और अगर नवयुवक ऐसे होंगे तो आशा की एक किरण आएगी, लेकिन अगर कोई कहने लगेगा कि भाई अलाउद्दीन खिलजी देख, जैसे अभी बात चल रही थी, कोई कहेगा अलाउद्दीन खिलजी बहुत नेक दिल था तो मेरे मन में उसके प्रति नफरत आएगी, बिल्कुल आएगी। कोई कहेगा औरंगजेब बहुत अच्छा बादशाह था तो मेरे मन में नफरत आएगी, लोग कहेंगे मोहम्मद गौरी बहुत अच्छा था, महमूद गजनबी ने बहुत अच्छा काम किया कि कुफर के सबसे बड़े नहीं, नहीं, हम लोग देखिए कहते हैं अगर कोई ये कहेगा तो मेरे मन में नफरत आएगी, लेकिन जो बात इस बच्चे ने कही अगर ऐसी बात कहेंगे तो मेरे मन में सम्मान बढ़ेगा, मुझे लगेगा कि कोई, लेकिन जब ऐसा गजनी को हमने लुटेरा कहा है, हमेशा देखिए वो आपको मैं बता दूं, आपको देखिए चार लोगों से मिलके एक उसने समूह बनाया और भारत के सोमनाथ मंदिर तक आ गया, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लेकिन आपको समझना होगा महाराज जी, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस्लाम को भी आपको जानना पड़ेगा, देखिए सुनिए, जो मुझे आप इस्लाम दिखाएंगे मैं उसे इस्लाम मान लूंगा, आपको बताइए नहीं करके दिखाइए, एक मिनट सुनिए, मैंने भी बहुत पढ़ा है, अभी तक हमने जो देखा भारत में वो गजनबी का इस्लाम देखा, हमने झगड़े का इस्लाम देखा, ठीक है इस्लाम दिखाओ ना, ठीक है ठीक है देखिए आप, जब गिलानी जैसे लोग अच्छी बात करेंगे तो लोग उनको कहेंगे अरे इसका मुसलमान है, ये मुसलमान नहीं है, ये सुन के नहीं है, एक मिनट इनको कुछ सुनने दीजिए ना, ये सुरेश जी देखिए अभी साजिद रशीदी साहब ने जो कहा कि आपने उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि आप जो है मुसलमान जिन्ना वाले हैं, और अभी तक वही गलत, सुन लीजिए फिर गलत, अरे भाई बात तो सुन लीजिए, साजिद रशीदी साहब ने जो कहा या और किसी साहब ने, वो हमारे भाई यासिर जिलानी के ताल्लुक से उन्होंने ये कहा कि ये तो मोहन भागवत वाले मुसलमान है, मैं इन दोनों बातों से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ, यहाँ पे पहली चीज ये होनी चाहिए थी कि जो हमारे चर्चा का विषय था उससे हम बहुत दूर भटक रहे हैं, और अगर मैं मुसलमान होकर के अगर किसी भी धर्म का अपमान करता हूँ जो कि हमारी हदीस और कुरान में बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है, यह बिल्कुल हराम है, तो दूसरे धर्म के लोगों को भी चाहिए कि हमारे धर्म का रिस्पेक्ट करें, और गंगा जमनी तहजीब की तो जो एक दूसरे सिरे में ले जाने से बचा है, खुदा के वास्ते मुल्क को बंटवारा बट रही है, और हमारा जो इस्लाम है इस्लाम कभी चेंज नहीं होगा, मुसलमान गलत हो सकता है लेकिन इस्लाम धर्म गलत नहीं हो सकता है, अरे कौन कह रहा है गलत कह रहे हो सकता है लेकिन पूरा इस्लाम, एक मिनट जब से रशीदी गए तब से डिचार्ज थे, अभी इसलिए बीच में क्या होगा इनको पता ही नहीं, बीच में क्या होगा इनको पता ही नहीं, अब सोए हुए फिर वही लौट गए जी, हाँ बोले इस्लाम के कैसे खिलाफ हो सकते हैं, हम जो तथाकथित ठेकेदार मौलवी हैं उनके खिलाफ हमेशा से रहे, और ये आक्रांता जो राजा आए जो गजनबी आया या गजनी आया इनके खिलाफ हमारी लड़ाई है और अंत तक लड़ेंगे, आपको मैं बताऊं, देखिए इस्लाम में जो औरतों की इज्जत की बात है, सुन तो लीजिए, आप सुनते तो है नहीं,
हजरत आयशा के बारे में कोई नहीं बताता है। हजरत आयशा मुफ्ती आजम थी, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी अगर कोई इस्लाम में। रोहित सरदाना ने क्या कहा? हजरत आयशा रोहित सरदाना ने क्या कहा? अरे यार तुम रोहित सरदाना ने क्या कहा? क्या कहा फातिमा के बारे में? क्या कहा रोहित सरदाना ने? क्या कहा था? मैं रोहित सरदाना ने क्यों कहा? अरे उसने क्या कहा? यहाँ में डिस्कस करने की जरूरत है क्या? अरे यार कमाल, एक मिनट, अगर अगर क्या कह रहा हूँ वो सुनो मेरी बात। अरे एक मिनट, एक बात अगर कुरान भागवत वाले मुसलमान कह देंगे तो हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा क्या? फिर वो कैसे कह रहे थे? और वो ये कह के, अगर वो ये कह के, एक बात सुनो, एक बात सुनो, एक बात सुनो, मुझे इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मैं यहाँ भी कहता था, यहाँ से छोड़ के, यहाँ नहीं देखो, यहाँ से वो छोड़ के गए ना, उनके पास जवाब बता रहा था। देखे देखिए बात ये, देखो उनके पास जवाब नहीं था, उनके पास वो अगर वो नहीं, देखो मेरी बात सुनो, एक मिनट, मेरी बात सुनिए, एक मिनट मुबारक जी, क्या आपको वंदे मातरम कहने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये सब नारा दे रहे आप भी दीजिए, बिल्कुल कह रहा हूँ, दे दीजिए वंदे मातरम, क्या है इसमें? बिल्कुल कह रहा हूँ वंदे मातरम, एक मिनट आपके साथ बोलेंगे वंदे मातरम, बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है, बैठ जाइए बैठ जाइए। अब आप देखो मुबारक भाई, हिंदुस्तानी है, हमें हिंदुस्तान की हर संस्कृति है, रहेगी, हमें हिंदुस्तान मुबारक भाई, जैसा हमारे भाइयों का मुल्क है, ठीक है। हमारे को तकलीफ क्या है? देखो सुनो मेरी बात, उन्होंने उन्होंने जो गए ना यहाँ से जो छोड़ के गए, वो सिर्फ ये कि ये जो मुसलमान है, ये मोहन भागवत वाले मुसलमान है, और ये कह के ये नहीं कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मैं जब तक के मुसलमान का मैदान छोड़ के भागता है। क्यों उन्होंने मैदान छोड़ के कैसे भागे? आगे बढ़ते अब हम कार्यक्रम के आखिरी छोर में है। सर मैं मौलाना साहब को बताना चाह रहा हूँ, जो अभी मौलाना साहब कह रहे थे कि हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है और गंगा जमनी तहजीब है, अभी सभासद के चुनाव हुए हैं, सिकंदराबाद में एक मुस्लिम प्रत्याशी जीते हैं, उनके समर्थन में कुछ मुस्लिम युवा लड़कों ने, जिनकी वीडियो भी है और आज दैनिक जागरण पेपर है उसमें प्रकाशित हुआ है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। क्या मैं मौलाना साहब से पूछना चाहता हूं, क्या गंगा जमनी तहजीब आपके द्वारा यही उन लड़कों को दी जा रही है जो अभी अब जवाब सुनिए ना, ऐसे लोगों पर आंसुका लगाओ ना, जवाब कहते हैं ऐसे लोगों पर आंसुका लगाओ, लगनी चाहिए आंसुका ऐसे लोगों पे, और हम साथ क्या देगा फिर बात है, एक मिनट से ज्यादा क्या बात है, उनको ये कहने के बजाय सरकार के सामने जाओ, आपके पास थाने में जाएगा, आंसुका सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए महाराज जी, सुन लीजिए सर, सर मौलाना साहब आप राशिद जी का अभी समर्थन कर रहे थे, हम जिन्ना वाले हैं तो हमें भेजिए, मैंने समर्थन नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, मैंने तो नहीं किया, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अरे मैंने कहा क्या समर्थन, अरे मैंने समर्थन कहा क्या, जिन्ना से हमें क्या मतलब, जिन्ना मांग लो या पाकिस्तान मांग लो हमें क्या मतलब है पाकिस्तान से, अरे पाकिस्तान पाकिस्तान जिन्ना मांग लगे हमें क्या मतलब है, पाकिस्तान जल के खाक हो, जिन्ना मांग लगे पाकिस्तान मांग लगे हमें क्या मतलब, सुन लिया, बुलंदशहर में जो जो हमारे भाई ने अभी दलील दी, जो नहीं सुन लीजिए, जिन लड़कों ने भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं अस्तगफुरुल्लाह, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, फौरन अरेस्ट किया जाए, लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए, फौरन जेल में होने चाहिए, तिहाड़ जेल के अंदर फौरन, लोगों का असर होगा, एक मिनट, एक मिनट सर, अरे फतवा नहीं देते हम, ये फतवा नहीं देते, बहुत सारे उलमा है, हम नहीं देते फतवा। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी देश विरोधी नारे लगाए वो चाहे कोई भी हो, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा मिले, हम निंदा करते और पाकिस्तान की जय जयकार हम कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, इस देश के बच्चे हैं और यही पर और हमारे लिए वो हराम है। इस्लाम के एक बहुत प्यारे रूप की तरफ मैं आपकी नजर दौड़ाइए जरा, सूफीज्म मैंने बहुत पास से देखा है, एक ढप की ताल के ऊपर जब वो गाते थे, बालों को इधर और उधर लहराते थे, गोल गोल घूमते थे,
इतनी खूबसूरत नजारा होता था कि आप सोच भी नहीं सकते। एक इस्लाम का वो भी रूप है, उसको भी मैं मानती हूँ। हमारे मुस्लिम्स को बर्बाद करने वाले हमारे राजनेता हैं। उन्होंने अरे मैंने तुम तो यही कहो बैठे रहो कौन मुस्लिम बर्बाद है, बर्बाद करने वाले यहाँ के राजनेता हैं। उन्होंने इनको वोट बैंक बना दिया, उनको कहा, उनको हल्का रखा, कभी उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। और मुल्ता आपको बता दूं कि जिसको आप कह रहे सूफी संत, उसको कट्टर इस्लाम वाले मुसलमान मानते नहीं है, तो आप उसको वैसे भी संत कंसेप्ट उसमें है नहीं। हाँ देखिए, ये बिल्कुल बहन ने बहुत अच्छी बात की तरफ मेरा ध्यान दिलवा दिया, और आपने भी बहुत सही बात कही। किसी देवबंदी से पूछ लीजिए, किसी बरेलवी से पूछ लीजिए, वो सूफियों को, बल्कि पाकिस्तान में जो बम धमाके होते हैं वो सूफी मदरसे होते हैं। एक मिनट सुनिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। लेकिन अगर भारत का इन्हें इतिहास एक बार दिखा दो, तो जिन्होंने सूफिज्म को भारत में फैलाया है वो अजमेर के जो दरगाह में इस समय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो दफन है, अगर एक मिनट सुनिए, अगर लाखों करोड़ों हिंदुओं का कत्ल उनके सिर पर ना हो तो मैं इस चोले को छोड़ दूंगा। एक गलत बात, गलत बोल रहे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, अजमेर के राजा धर्मगज देव सिंह का जब पतन हुआ था, उसमें सबसे एक यार, अब जवाब देने दीजिए भाई मुझे, फिर मैं यही कहूंगा कि यही है इस्लाम, किसी को बोलने ना देना, यही है इस्लाम। ये बोलते हैं मैं सुनता रहता हूँ, ये बोलने ही नहीं देते। चलो यार तुम ही बोलो। चलिए, हम कार्यक्रम के आखिर में, हम कार्यक्रम के आखिर में इस मुद्दे पर पहुंचते हैं। हम आप पढ़े लिखों को नहीं सुनते हैं, गवारों को सुनते हैं, इसीलिए आप बैक जा रहे हैं। चलिए, हम कार्यक्रम के आखिर में ये कहेंगे, तमाम ऐसे सूफी संतों की भी कमी नहीं है जिन्होंने उस चोले का मान नहीं रखा। हम अगर बात करेंगे तो जो मध्य प्रदेश में धार में सरस्वती मंदिर है, वहां पर जो सूफी संत के नाम पे वहां बैठे थे, वहां पर राजा को उन्होंने बुला लिया, उनके साथ विश्वासघात किया, उनकी वहां हत्या हुआ, ऐसे भी उदाहरण है। इसलिए हम सारे उदाहरणों को एक जैसा नहीं देख सकते, कुछ उदाहरण उसमें गलत भी है, कुछ अच्छे भी अगर है तो लोगों के सामने बताने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आज के मेन कार्यक्रम का जो मुद्दा था, क्योंकि अधूरी कोई बात करेंगे तो समाधान होगा नहीं और दूसरी दिशा में जाएगी, इसलिए आज के मुद्दे पर हम यहाँ पर खत्म करते हैं कि ओबामा ने बात भले ही आपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कही हो या उसका उसके पीछे कोई और उद्देश्य हो, हमने यह समझना चाहिए जो आज के कार्यक्रम से कुल मिलकर सामने आया है कि अगर हिंदुस्तान का मुसलमान अपने आप को राम श्री कृष्ण के वंशज के बजाय अरबी लोगों का वंशज मानेगा तो इस देश के हित में नहीं रहेगा। मैं इसका अर्थ यही निकालता हूं, और अगर इसका अर्थ यह है तो निश्चित तौर पर हमें चिंतन करने की जरूरत है। और अफजाल जी और जिलानी जी जैसे लोग जो अपने आप को राम श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं, ऐसे मुसलमानों का आदर्श इस देश के मुसलमानों ने लेने की आवश्यकता है। ऐसा मानते हुए आज के कार्यक्रम को हम यहाँ पर रोकते हैं।